Good morning, students. Today I am going to explain the remaining part of the story, the necklace. In my previous class, I have discussed, and today I am going to explain the remaining part of this story, the necklace. When Matilda and her husband returned from the party, they reached home, and Matilda realized that the necklace is missing. Matilda जब निकालने गई गर्दन से उस हार को, डायमंड नेकलेस को, तो देखती है, करे there is no necklace. Necklace है ही नहीं गर्दन में. They wondered if it fell off in the carriage that they took home. ये लोग को आश्चर्य हुआ कि जिस गाड़ी से हम लोग लौट कर घर आए हैं, लगता है कि उसी गाड़ी में ये गिर गया. But neither of them noticed the number. लेकिन दोनों में से किसी नहीं, Matilda और उसका हस्बैंड, कोई उस गाड़ी का नंबर नहीं देखे थे, ना उनको याद था, ना पता था. Her husband goes out to search the street, but returned empty-handed. तेजी में भागते हुए उसके हस्बैंड गए सड़क पर देखने कि कहाँ गिरा है, या वो गाड़ी दिखाई दे दे. सड़क पर खोजते हुए जा रहे थे, लेकिन खाली हाथ लौटना पड़ा उनको. हार नहीं मिला. He did not find the necklace. Matilda writes to her friend that she broke the clasp and it is having it repaired. अब Matilda सोचती है कि मैं क्या करूं, इतना महंगा डायमंड का ये नेकलेस मैं कैसे उसको अभी नहीं पहुंचाऊं, क्या कहेगी मेरी दोस्त जीन. तो उसको एक लेटर लिखी जीन को कि जीन देखो ऐसा है कि पार्टी में मैं कल गई थी और उसका कुछ लरियां जो है उस हार की टूट गई हैं, एंड आई हैव गिवन इट टू रिपेयर. इसको रिपेयर करने के लिए मैं दी हूँ, रिपेयर होकर जैसे आएगा आई विल रिटर्न योर नेकलेस. झूठ लिखी मैंने, बात छुपाई. इन द मीन टाइम दे फाइंड अनदर नेकलेस दैट मैचेज द मिसिंग वन, बट इट कॉस्ट 36,000 francs. ये लोग दिन मार्केट गए और ज्वेलरी सेलर के पास गए कि इसी तरह का कोई मिलता जुलता हार का कीमत पता लगाया जाए, ताकि उसको रिटर्न करना होगा. तो पता चला उसी तरह का सेम हार दिखाई दिया जिसकी कीमत 36,000 francs थी, जो बहुत बड़ा अमाउंट था इन लोगों के लिए. हर हस्बैंड फॉर्चुनेटली इनहेरिटेड 18,000 francs फ्रॉम हिज फादर. सौभाग्य से इसके हस्बैंड को पिताजी से लगभग 18,000 पैसा मिला हुआ था, प्राप्त हुआ था. बट दे विल नीड टू बोरो द रेस्ट ऑफ द मनी. लेकिन अभी भी 18,000 इन लोगों को कर्ज लेना पड़ेगा, तब जाकर 36,000 होगा और उसको खरीद कर दूसरा हार देना दे पाएंगे. Finally, they have enough to purchase the replacement necklace and Matilda gives it to Jean, who doesn't even look at it. किसी तरह पैसा उधार मांग मांग कर ये लोगों ने इकट्ठा किया 18,000, और 18,000 फादर के द्वारा इनहेरिटेड था, मिलाकर 36,000 का नेकलेस, डायमंड नेकलेस खरीद कर और Matilda अपने दोस्त जीन को रिटर्न कर देती है. वह जीन को दी और जीन बिना देखे हुए उस हार को फिर रख दी. द नेक्स्ट 10 years Matilda's लाइफ चेंजेस ड्रामेटिकली. और अगले 10 सालों तक नाटकीय ढंग से उसका जीवन बिता, उसके जीवन में परिवर्तन आया. दे मूव टू ए स्मॉलर अपार्टमेंट वेयर सी हैज टू कुक एंड क्लीन फॉर हरसेल्फ. पहले अच्छे एक फ्लैट में रहते थे, अब उसको छोड़कर एक छोटा सा घर लेना पड़ा ताकि कर्ज जो लिया गया है उसको चुकाया जाए. जिन रात दिन अब घर का काम करने लगी, साफ सफाई, खाना पकाना, इसका जीवन काफ़ी अब कठिन हो गया.
सी ऑल्सो पैसा बचाने था इन लोगों को, सी ऑल्सो डज वर्क ऑन साइड, और साइड कुछ काम भी करने लगी बाहर, वाइल हर हस्बैंड वर्क्स मल्टीपल जॉब्स टू पे बैक ऑल मनी दे हैड बोरोड। और इसके हस्बैंड जो थे अपने क्लर्क की ड्यूटी करने के बाद पार्ट टाइम जॉब करते थे ताकि अधिक से अधिक पैसा कमाऊं और जमा करके लोगों के द्वारा लिया गया उधार पैसा को वापस किया जा सके। आफ्टर द 10 ईयर्स, 10 सालों तक इन्होंने कठिन परिश्रम करके पैसा को चुकाया। 10 साल के बाद द मनी इज ऑल पेड बैक, बट मटिल्डा अग्रीड इज अ ग्रेट डील। 10 साल के बाद पैसा चुका दिया गया इन लोगों के द्वारा, लेकिन मैटिल्डा का जीवन बिल्कुल मुश्किल हो गया और वह बहुत उम्र दराज लगने लगी। वह अपने उम्र से ज़्यादा उम्र की दिखाई देने लगी, क्योंकि काम करते करते वह काफ़ी एक बूढ़ी औरत की तरह लग रही थी। वन डे सी सीज जीन फ्रोस्टियर ऑन द स्ट्रीट। एक दिन वो जीन फ्रोस्टियर जो दोस्त थी जिसे ये डायमंड नेकलेस मांग कर लाई थी, वो रास्ते पर दिखाई पड़ी मैटिल्डा को। सी डिसाइडेड टू टेल हर द ट्रूथ अबाउट द नेकलेस। वो सोची कि ये नेकलेस की जो स्टोरी है, जो बात है, इसको जीन को मैं बता दूं। जीन को बता दी। जीन इज स्टंड बाय मैटिल्डा रफ अपियरेंस। जीन इसको देखकर दंग रह गई कि अरे इस तरह का तुम्हारा चेहरा क्यों हो गया, इतना बूढ़ा बूढ़ी ऐसी दिखाई दे रही हो। मैटिल्डा एक्सप्लेन दैट इट इज इनडायरेक्टली बिकॉज ऑफ जीन, और वो बताई कि इनडायरेक्टली तुम ही इसके कारण हो। सिंस सी लॉस्ट द नेकलेस सी बोरोड फ्रॉम हर एंड हैड टू पे फॉर ए रिप्लेसमेंट। पूरी कहानी बताई कि पार्टी में मैं तुम्हारी हार लेकर गई, हार कहीं खो गया और उसको हार वापस करने के लिए 36,000 का हार हमको किसी तरह खरीद कर देना पड़ा। भारी कर्ज में मैं डूब गई और दिन रात हमें काम करना पड़ा, मेहनत करना पड़ा, मेरे यही मुख्य कारण है। शॉक्ड जीन कन्फेसेस दैट द नेकलेस मैटिल्डा बोरोड वॉज अ फेक मेड अ पेस्ट वर्थ नो मोर दैन 500 पेसोज। वो मैटिल्डा को बताई जीन कि अरे ये क्या, वो जो हार मैं तुमको दी थी वो तो फॉल्स था, बनावटी था, वो ओरिजिनल डायमंड का नहीं था, उसकी कीमत तो मात्र 500 फ्रैंक्स था। तुमने ये बात मुझे उस समय क्यों नहीं बताई, मैं तुम्हारा वो हार वापस कर देती और तुम्हारा जीवन इस तरह से दयनीय नहीं होता, स्पॉइल नहीं होता तुम्हारा लाइफ। वो तो फेक था, ओरिजिनल डायमंड का था ही नहीं। क्लियरली द लेसन ऑफ द स्टोरी इज दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अंततोगत्वा इस कहानी का यही सार है, निष्कर्ष है कि ईमानदारी एक अच्छी नीति है। इफ मैटिल्डा हैड बीन ऑनेस्ट विथ हर फ्रेंड फ्रॉम द स्टार्ट। शुरू से ही मैटिल्डा अपने दोस्त के प्रति ईमानदार थी कि चाहे जो भी हो जाए मुझे उसकी हार वापस करना है, उसकी किसी भी कीमत पर, चाहे जीवन में जो भी मुश्किल झेलना क्यों न पड़े। एंड जीन इज ऑल्सो ऑनेस्ट सी टोल्ड हर द ट्रू स्टोरी अबाउट द नेकलेस। जीन भी ईमानदार थी कि ईमानदारी से बता दी कि अरे वो तो ओरिजिनल था ही नहीं, दूसरा कोई रहता तो चुप हो जाता कि हमें मुफ्त में इतना महंगा नेकलेस डायमंड का मिल गया, लेकिन ये हकीकत को छुपाई नहीं, बता दी, ऑनेस्ट थी। सी वुड हैव लर्न द नेकलेस वुड नॉट मेड ऑफ रियल डायमंड एंड वुड नॉट हैव वेस्ट 10 ईयर्स पेइंग फॉर द रिप्लेसमेंट। अब उसको भारी पछतावा हुआ कि मेरा ये बनावटी जीवन, अपने आप को दिखावटी जीवन जीने के कारण ही मुझे ये दिन आज देखना पड़ा। हमारे पास जो कुछ था अगर वही हम पहन कर वही जाते पार्टी में तो ये दिन देखने को नहीं मिलता। इसका निष्कर्ष भी है कि हमें दूसरे को देखकर हमें बनावटी जीवन बनाने की कोशिश नहीं करना चाहिए, दिखावे का जीवन हमें नहीं जीना चाहिए। थैंक यू।